फाइन स्टूडेंट, तो क्लास नंबर वन इंडियन पॉलिटी, ये फर्स्ट लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। और जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन वी रिक्वायर एंड हाउ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मुलेशन होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, ये सभी चीज़ का आंसर तुमको इस मॉड्यूल में मिल जाएगा। ये बहुत ही बेसिक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल से आगे का क्लास भी तैयार होगा। तो वेरी वेरी बेसिक मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल से कई मेंस क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे, सोल्यूशन मिलेगा, बहुत सारे मेंस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से भी तुमको मिलेगा। एक रिसेंट टाइम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी एथिक्स पेपर में, उसका भी आंसर तुमको इस मॉड्यूल से मिल सकता है। और एट द सेम टाइम UPSC प्रीलिम्स 2024 का हो या 23 का हो, इसे पहले भी बहुत सारे UPSC क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे ये बताया कि संविधान आखिर करता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है जहाँ पे संविधान हो और संविधान क्या करे, गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए, डैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड गवर्नमेंट। और लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट संविधान से ही आता है। तो ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी कुछ तुम लोग को बताने जा रहा है, सो लेट्स बिगिन। बट उससे पहले इससे संबंधित यानी कि पॉलिटी से संबंधित जो भी सिलेबस है मैंने डिस्कस कर दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जाके वो वीडियो भी देख लेना, उसको भी समझ लेना अच्छे से। और एट द सेम टाइम हाँ, लक्ष्मीकांत पढ़ना है रेफरेंस के लिए, और 11-12 का पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है, उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी वर्ड। तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे इंडियन पॉलिटी, करेक्ट। तो इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या है कि जो हमारा जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो हमारा स्ट्रक्चर, वो कैसे काम करेगी गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम और पॉलिसी जनता को पहुंचाना, वो तरीका क्या होगा, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका क्या होगा, डेट इज़ कॉल्ड पॉलिटी। उसे क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। जब इंडियन पॉलिटी का बात हो रहा है तो इसका मतलब इंडिया में सरकार किस तरह काम कर रही है, अपना पावर को किस तरह रेगुलेट कर रही है, मैनेज कर रही है, कैसे जनता का एस्पिरेशन को पूरा किया जा रहा है, डेट इज़ कॉल्ड पॉलिटी। आया समझ में? अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं संविधान पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स, बेसिक रूल्स अबाउट एनी कंट्री, यानी कि एक कंट्री किस हिसाब से आगे बढ़ेगा, उसके लिए क्या नियम कायदे हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन है, उसी को बोलते हैं संविधान। समझे, संविधान का मतलब क्या है कि बेसिक रूल्स, बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स है किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, उसी को बोलते हैं संविधान। तो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे जो सर्वोपरि है वो संविधान है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी जो पावर डिराइव करते हैं वो संविधान से ही करते हैं। संविधान सर्वोपरि है, इनफैक्ट हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स डिराइव करते हैं, जो हमारा बेसिक मूल अधिकार है, वो भी हम लोग संविधान से ही डिराइव करते हैं, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि आप जन्म ले लिए तो आपको बेसिक राइट्स आपको मिल गया, आपको बिल ऑफ राइट्स मिल गया, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो सब अपने जो FR फंडामेंटल राइट जो डिराइव कर रहे हैं वो भारत के संविधान से ही कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तो इसी चीज़ को इस मॉड्यूल में हम लोग इस PDF में, इस लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। तो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, क्या ये रोल प्ले करता है सोसाइटी में, एंड हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू डेली एग्जिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, कैसे संविधान ये सभी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, चाहे तुम्हारा हो, चाहे मेरा हो, चाहे तुम जो YouTube में वीडियो देख रहे हो, या तुम्हारा हो, किसी का भी, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, कैसे संविधान जुड़ा हुआ है हम लोग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। क्योंकि एक होता है पढ़ने के लिए और एक होता है रिलेट करने के लिए। तो संविधान ऐसा चीज़ है, हमें रिलेट करके चलना होगा कि आखिर संविधान से हमें मिलता क्या है, व्हाट बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, वो सभी चीज़ समझना है हमें। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस।
देखो एक सिचुएशन मान के चलो, और जानते हो कि भारत जो है, भारत इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में कितने संप्रदाय के लोग रहते हैं, कितने अलग अलग रिलीजन वाले लोग रहते हैं, कितने एक रिलीजन के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स हैं। जैनिज्म के अंदर भी सेक्ट मिलेगा तुमको, बुद्धिज्म के अंदर भी सेक्ट मिलेगा, इस्लाम के अंदर भी सेक्ट है, हिंदुज्म के अंदर भी सेक्ट है, यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं हिंदुज्म में। तो कितना डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के नाम पे डाइवर्सिटी है, रीजन के नाम पे डाइवर्सिटी है, क्लास के नाम पे डाइवर्सिटी है, कोई रिच है कोई गरीब है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई राजा है कोई रंक है, कितना डाइवर्सिटी है। यदि ऐसे ही छोड़ दिया जाता है इन लोग को, तो जान रहे हो ना, जो नीचे का तबका है वो और ज़्यादा उसका शोषण होता। तो कम से कम समाज में, एक स्टेट में मिनिमल कोऑर्डिनेशन रहे, मिनिमल कोऑर्डिनेशन रहे, उसके लिए भी संविधान जरूरी है। तो संविधान का जो पहला जो काम है, जो फर्स्ट फंक्शन है संविधान का, कि एटलीस्ट मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना इन डाइवर्स कंट्री, ताकि सभी लोग खुश होकर जी सके और डिग्निफाइड लाइफ जी सके और एक दूसरे से कॉपरेट कर सके। क्योंकि एक दूसरे से यदि कॉपरेट नहीं करेंगे तो आगे जो मानव जाति है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी दुकानदार से हमें काम होगा, दुकानदार को हम लोग से काम होगा, समझ लो ना। तो ये कॉपरेशन बना रहे एक दूसरे में, कम से कम मिनिमल कॉपरेशन, ताकि जो सोसाइटी में पीस और हार्मोनी है वो इस्टेब्लिश रहे, लॉ एंड ऑर्डर का कभी प्रॉब्लम ना आ सके। इसलिए भी संविधान बहुत ज़रूरी है। तो संविधान का जो पहला फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो देखो नंबर वन, देखो कि कंसिडर ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट रिलीजियस एलिजियंस। हाँ, कंसिडर करो कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं एक जगह पे, जहाँ पे अलग अलग रिलीजन से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैनिज्म है, कोई बुद्धिज्म है, करेक्ट। हाँ, सम क्रिश्चियंस, सम जुडाइज्म भी हो सकते हैं, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो नास्तिक हो सकते हैं, कोई रिलीजन ही ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसका कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या, उसको मार दोगे क्या? नहीं, कई रिच भी हो सकते हैं, कई पोर भी हो सकते हैं, तो दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी, समझ गए ना। शुड दिस ग्रुप ऑफ पीपल बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स मेंबर? क्या इन लोगों को इजाजत दे दिया जाए, कोई रईस है तो गरीब का शोषण करे, कोई हिंदू है तो मुस्लिम का शोषण करे, कोई क्रिश्चियन है तो मुस्लिम का शोषण करे, या कोई मुस्लिम है तो हिंदू का शोषण करे, कोई ब्राह्मण है तो शूद्र का शोषण करे? क्या ये अलाउड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि ये अलाउड होगा तो फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे हो सकता है? तो पीस को इस्टेब्लिश करना है सोसाइटी में, शांति को बहाल करना है सोसाइटी में, तो कम से कम कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मिनिमल कोऑर्डिनेशन, मिनिमल में बात कर रहा हूँ, कम से कम इतना कोऑर्डिनेशन हो ताकि लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में इस्टेब्लिश रहे। और ये कौन देगा? ये संविधान देगा। तो संविधान जरूरी है इस सेंस में। सच ए ग्रुप हैज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन देम, बट स्टिल दे हैव टू लिव टुगेदर इन द सोसाइटी। बहुत डाइवर्सिटी है, कोई रईस है, कोई गरीब है, हाँ कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, उसके बावजूद भी इन लोग को सोसाइटी में रहना है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, चाहे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो, चाहे सोशली डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो कॉपरेशन चाहिए। यदि कॉपरेट नहीं करेंगे और दंगा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। तो कम से कम कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है संविधान का होना, समझ गए ना। अब यहाँ पर समझो, इसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं। When will the group be able to live together peacefully? कब इतना जो डाइवर्सिटी है इस ग्रुप में, जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, अलग अलग सेक्ट के लोग रह रहे हैं, अलग अलग इंटेलेक्ट के लोग रह रहे हैं, तो कब ये संभव होगा कि जब सब लोग पीसफुली रह सके? ये तभी संभव हो सकता है जब सब बेसिक रूल्स रहे और ये बेसिक रूल्स को सभी लोग ओबे करें। जैसे मान लो कि एक तबका ने बोल दिया कि हम नहीं फॉलो करेंगे इस रूल्स को, तो फिर सोसाइटी में दंगा फसाद होगा। यानी कि ऐसा बेसिक रूल्स रहे जो सब लोग माने, और जब सब लोग मानेंगे तभी शांति बहाल हो सकता है। सही बात है कि नहीं, बताओ? द आंसर टू दैट परहैप्स इज दैट दे कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन अग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। सम बेसिक रूल्स पर सब लोग अग्री करें, जितने भी लोग हैं सब, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी रिलीजियस ग्रुप है, सब क्या करें? अग्री करें उस चीज़ पर कि यस, हम इस चीज़ को मानते हैं। और वो चीज़ क्या होगा? संविधान होगा।
इसलिए संविधान क्या है, फंडामेंटल रूल्स रेगुलेशन से कंट्री को चलाने के लिए। और संविधान भी उतना ही बेहतर होना चाहिए जहां पे हर आदमी के बारे में चर्चा हो, जहां पे हिंदू के बारे में चर्चा हो, जहां मुस्लिम के बारे में चर्चा हो, जहां पे अलग अलग क्लास के बारे में चर्चा हो, जहां पे एससी के बारे में चर्चा हो, जहां पे एसटी के बारे में चर्चा हो, बात समझिए। तो संविधान भी बहुत इंक्लूसिव होना चाहिए। तो व्हाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स, आखिर क्यों चाहिए ग्रुप को रूल्स, क्यों चाहिए रूल्स? इसलिए चाहिए ताकि इनसिक्योरिटी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, बात समझे। एवरी इंडिविजुअल हुड बी इनसिक्योर, यदि रूल्स नहीं रहेगा, यदि बेसिक रूल्स नहीं रहेगा तो लोग इनसिक्योर हो जाएंगे। कौन कौन आके मार देगा, कौन आके गलत काम कर देगा, उस चीज से लोग डरते रहेंगे, लोग के मन में भय रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगा। इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए जरूरी है कि बेसिक रूल्स को लोग फॉलो करें, समझ गए ना, बिकॉज दे वुड नॉट नो वट अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कुड डू टू ईच अदर, बाकी मेंबर क्या कर देगा उसके साथ, क्या गलत काम कर देगा, लोग को पता नहीं है। तो यानी कि लोग घिरा हुआ इनसिक्योरिटी से, यदि उस इनसिक्योरिटी से लोगों को निकलना है तो जरूरी है कि वो बेसिक रूल्स को फॉलो करें, सभी लोग फॉलो करें। तो फॉर्मेटिंग सच सेट ऑफ रूल्स एंड सेइंग दैट दिस रूल्स आर लीगली इन्फोर्सेबल गिव्स एन एश्योरेंस, और इस तरह का रूल बनाना, रेगुलेशंस बनाना और ये बोल देना कि ये सब पे लागू होगा, और किसी ने यदि वायलेट किया है, यदि कोई वायलेट करेगा तो वो ऑफेंस माना जाएगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, वो उसको दंडित किया जाएगा। यदि इस तरह का बात स्थापित कर दिया जाए तो सभी लोग बेसिक रूल्स मानेंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है कोऑर्डिनेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एश्योरेंस के लिए, कोई बात नहीं तुम काम करो तुमको पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा। तो फॉर्मुलेटिंग सेट ऑफ रूल्स एंड सेइंग दैट दिस रूल्स आर लीगली इन्फोर्सेबल गिव्स एन एश्योरेंस टू एवरीबॉडी दैट अदर्स विल ऑल्सो फॉलो दिस रूल्स सर्टनली, यानी कि दूसरे लोग भी फॉलो करने वाले इस रूल्स को, और आप भी फॉलो करो, और ये जो रूल्स है आपको सर्टेनिटी देगा, इनसिक्योरिटी नहीं देगा, आपको जो करना है आप करो। तो पहला फंक्शन क्या हुआ विद्यार्थी लोग, टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, कम से कम मिनिमल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और एक तबका सोसाइटी का दूसरे तबका के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो सके सोसाइटी में। आर यू गेटिंग मी? तो मैं पूछेगा तुम लोग से कि पहला क्या होना चाहिए फंक्शंस, या जो आउटमोस्ट फंक्शन क्या होना चाहिए संविधान का, तो मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ताकि लॉ एंड ऑर्डर में, बार बार लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रीजन में। तो फर्स्ट फंक्शंस, नेक्स्ट वन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो कौन रूल करेगा इस कंट्री को, हाँ कौन रूल करेगा इस कंट्री को, तो उसके लिए भी तो संविधान जरूरी है, क्योंकि पॉलिटी को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सरकार किस तरह रूल करेगी कंट्री को, सरकार किस तरह गवर्न करेगी एक कंट्री को, कैसे आगे ले जाएगी, उसके लिए संविधान। और संविधान में ये बात होना चाहिए कि सरकार को क्या क्या करना है, पार्लियामेंट कैसे बना, हमारा इंडिया का पार्लियामेंट या किसी भी कंट्री का पार्लियामेंट कैसे बनता है, संविधान से बनता है, बेसिक रूल से बनता है। तो बात समझे, जो सेकेंड जो नियम है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होना चाहिए, देश का जो फैसला कौन करेगा, एक स्टेट का फैसला कौन करेगा। हाँ, मैं देश का बात कर रहा हूँ, स्टेट का बात कर रहा हूँ, तो मैं जरूर यहाँ पे दो तीन चीज बताना चाहूँगा स्टूडेंट। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है एक पॉलिटिकल यूनिट, यानी कि एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे अपना ही नियम कायदे हैं, एक बेसिक रूल्स है, जहाँ पे सरकार है और जहाँ पे सर्टन बाउंड्री भी है, डैट इज कॉल्ड स्टेट। हाँ, स्टेट एक कंट्री भी हो सकता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट एक राज्य भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है। स्टेट कैन बी योर इंडिया, स्टेट कैन बी योर बिहार। वो इंग्लिश का स्टेट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश का स्टेट का मतलब राज्य होता है। स्टेट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है क्या, वो एक पॉलिटिकल यूनिट है, वो ज्योग्राफिकल, सर्टन ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे एक सरकार है, जहाँ पे एक बेसिक रूल्स है, एक गवर्नेंस पैटर्न है, डैट इज कॉल्ड स्टेट। तो स्टेट को चलाने के लिए संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ समझना होगा हमें स्टूडेंट, तो नेशन क्या है फिर, वॉट इज नेशन? तो नेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉमन कल्चर को शेयर कर रहा है एक दूसरे से। जैसे हिस्ट्री सेम है, जैसे भारत का हिस्ट्री सेम है, तो वी आर इंडियंस, वी आर लिविंग इन द सेम नेशन, कल्चर वैल्यू सेम्स है, हिस्ट्री सेम्स है, और भी बहुत सारा चीज़ सेम है,
तो जब ग्रुप ऑफ पीपल जब इस तरह का चीज़ एक्सपीरियंस करे तो उसको नेशन कहते हैं। हाँ, एक स्टेट नेशन भी हो सकता है, एक जब स्टेट नेशन होगा उसको बोलेंगे नेशन स्टेट। हम अजय नहीं कि एक स्टेट नेशन हो, अजय नहीं कि एक नेशन स्टेट हो। थ्योरेटिकली ये बोलना बड़ा आसान होता है कि नेशन स्टेट, बट प्रैक्टिकली कोई भी नेशन एक स्टेट नहीं हो सकता है। कहो कैसे? जैसे हम लोग जब बात करते अखंड भारत का बात करते हैं, तो हिंदी बोलने वाला हिंदू जो हमारा वर्ग है वो नेपाल में भी तो है। नेपाल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, तो एक भारत नहीं हुआ ना। जब हम क्योंकि हमको दोनों को कोलैबोरेट करना है। नेशन स्टेट का मतलब क्या है? दोनों कोलैबोरेशन। नेशन का डेफिनेशन भी होना चाहिए जहाँ पे सेम कल्चर है, सेम वैल्यूज है। और तुम दूसरा देखो ना, एक स्टेट के अंदर स्वयं कितना डाइवर्सिटी है। एक स्टेट के अंदर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, जूइस भी है। स्टेट के अंदर सभी प्रेजेंट हो सकता है ना। तो प्रैक्टिकली नेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। यानी कि जहाँ पे कॉमन हिस्ट्री भी हो और एक पॉलिटिकल यूनिट भी हो। आया समझ में? तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड योर नेशन, और कैसे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? चलो यहाँ बात करते हैं स्टेट को चलाने के लिए। यस, संविधान का जरूरत है। किस तरह जरूरत है? देखो नंबर वन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मतलब क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो उसमें बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और उसके हिसाब से स्टेट चलेगा, उसके हिसाब से स्टेट अपना काम करेगी। सही बात है ना। पॉलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, बट व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? बट ये फंडामेंटल रूल्स कैसा रहना चाहिए, और क्या ऐसा चीज है जो उसको फंडामेंटल बनाता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स, मूल, बेसिक्स, आधार। तो क्या ऐसा चीज है जो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल बनाता है? क्या ऐसा चीज है जो कि संविधान को फंडामेंटल रूल्स बनाता है? बट व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी? क्या फंडामेंटल रूल्स रहना चाहिए, और क्या ऐसा चीज है कि जो फंडामेंटल रूल्स को फंडामेंटल बनाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर्स इन अ सोसाइटी। तो संविधान को इसका आंसर देना होगा। और संविधान कैसे आंसर देती है? पावर को एलोकेट करके। कि देखो संविधान ही एक ऐसा चीज है जो को पावर को लिमिट करती है, कहती है एग्जीक्यूटिव का काम इतना ही है, जुडिशरी का काम इतना ही है, लेजिस्लेचर का काम इतना ही है। तो काम बांट दी ना संविधान ने। संविधान ने किसी को भी सर्वोपरि नहीं बनाया। मैं डिपेंड करता है कि आखिर संविधान कौन से कंट्री का संविधान का बात करते हैं, किस एस्टैब्लिशमेंट का बात करें। क्या मैं डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान का बात कर रहा हूँ? क्या मैं मोनार्क कंट्री का संविधान का बात कर रहा हूँ? क्या मैं नॉर्थ कोरिया का बात कर रहा हूँ? क्या मैं चाइना का बात कर रहा हूँ? क्या मैं रशिया का बात कर रहा हूँ? तो डिपेंड करता है कि संविधान कौन सा कंट्री का संविधान, कौन सा सेटअप का संविधान। डेमोक्रेटिक कंट्री का बात होगा तो तरीका अलग होगा संविधान का, जब वही मोनार्क का बात होगा तो तरीका अलग होगा। तो आफ्टरऑल जो भी हो, संविधान ही तय करता है कि कैसे पावर को दिया जाए और कैसे पावर से एक कंट्री चलाया जाए। तो तुमको आंसर मिल जाएगा फोर्थ में, फोर्थ पॉइंट में। देखो, इट डिसाइड्स हाउ गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉस विल बी। यानी कि संविधान तय करता है कि क्या मिलेगा। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉस बी। कौन डिसाइड करेगा कि लॉ किस तरह बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन हो, जैसे पहले चलता था इंडिया में भी, चलता था एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे तुम यूरोप का हिस्ट्री देख लो, ठीक है, समझ गए ना। तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क डिसाइड करेगा। एक डिक्टेटरशिप वाला कंट्री में डिक्टेटर डिसाइड करेगा। जैसे अभी अफ्रीका में बहुत सारा कंट्री देखते हो ना जहाँ पे डिक्टेटर है, मिलिट्री रूल है, तो वहाँ के मिलिट्री जो पीपल है वो डिसाइड करेंगे। जैसे तुम जुंटा देखते हो म्यांमार में, तो जो मिलिट्री लीडर्स है वो डिसाइड करेंगे वहाँ का संविधान क्या होगा, किस तरह कंट्री चलेगा। जैसे ओल्ड सोवियत यूनियन देखो, वहाँ पे सिंगल पार्टी, वही कम्युनिस्ट पार्टी, वो डिसाइड करेंगे। देखो शुरू में कौन डिसाइड किए, लेनिन डिसाइड किए, उसके बाद स्टालिन डिसाइड किए, और अभी देखो व्लादिमीर पुतिन डिसाइड कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का अपोजिशन में कोई है ही नहीं। तो डिपेंड करता है किस तरह का कंट्री है वो। तो कहोगे कि सिंगल पार्टी वाला सिस्टम है वो वहाँ पे, बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अब आते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे पीपल डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ पे भी डिसाइड पीपल कैसे करेंगे? तो पीपल बहुत तरीके से कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि प्लेबिसाइड और रेफरेंडम, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे कोई भी मुद्दा पे हर सिटीजन ही पार्टिसिपेट करे, जो
एक सर्टन एज के बाद, मतलब एक सर्टन एज से ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि 18 साल से ऊपर हो सिंपली कहा जाए, तो वो डिसाइड करेंगे ये मुद्दा क्या होना चाहिए, इस मुद्दा के लिए क्या सरकार को करना चाहिए। जैसे ब्रेक्जिट हुआ ना, ब्रिटेन बाहर निकला ना, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, जहाँ पर रेफरेंडम हुआ, तो प्लेबिसाइड हो, रेफरेंडम हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मैं भारत का जो अभी व्यवस्था है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। 140 करोड़ का जनता, क्या सभी लोग संसद में बैठे हुए हैं क्या? नहीं, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, उसके लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। तो इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, बात समझे ना? इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, और उसके लिए भी वेल लेड डाउन प्रोसीजर है। और ये जो प्रोसीजर है कहाँ से आता है? संविधान से ही आता है, बात समझे? तो हाउ शुड द पीपल डिसाइड, कैसे पीपल डिसाइड कर सकता है? या तो पीपल डायरेक्टली डिसाइड कर सकता है, या पीपल अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को भेज के डिसाइड कर सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ में काम करेंगे। आया समझ में बच्चे लोग? हाँ, तो देखो वाई, हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड, कैसे रिप्रेजेंट जो प्रतिनिधि है वो कैसे चुने जाएंगे? तो इलेक्शन प्रोसेस चुने जाएंगे, फिर पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में लोग जाएंगे, हमारे जो प्रतिनिधि जो चुन के आए वो पार्लियामेंट में जाएंगे। सेम फॉर विधानसभा ऑल्सो, स्टेट में भी यही होता है, स्टेट में भी हम लोग चुनते हैं, फिर विधानसभा में जाते हैं, फिर वो लॉ बनाते हैं। और एक जानते हो कि भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ योर लेजिस्लेचर, सही बात है ना? यानी कि मोदी जी जो है, मोदी जी का जो टीम है वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है और सरकार का भी हिस्सा है, सही बात है ना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर देता है तुम्हें, कैसे? पार्लियामेंट प्रोवाइड करके, इलेक्शन प्रोसेस को प्रोवाइड करके। अब इलेक्शन भी अच्छे से चले उसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो 3 मेंबर कमिटी है, 3 मेंबर कमीशन है, जान रहे हो बच्चे लोग? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर दिस क्वेश्चन बाय प्रोवाइडिंग फॉर ए पार्लियामेंट विच गेट्स टू डिसाइड द लॉज एंड द पॉलिसी। पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है किस तरह का लॉ होना चाहिए, किस तरह का पॉलिसी होना चाहिए, और उसको जो एग्जीक्यूट करता है कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ द डे, सरकार करती है, मोदी सरकार करती है, जो अभी मोदी सरकार प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंटली कौन प्रेजेंट है? मोदी गवर्नमेंट, तो वो करेगी। तो पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम, पॉलिसी बनाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। तो ये कहाँ से पावर आ रहा है? ये पावर कहाँ से आ रहा है? संविधान से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है किसको किसको डिसीजन मेकिंग करने का पावर है, कौन कौन डिसीजन मेक कर सकता है, कौन कौन कंट्री के लिए डिसीजन बना सकता है। तो लेजिस्लेचर बना रहा है, जुडिशरी बना रहा है, और तुम्हारा एग्जीक्यूटिव बना रहा है। दिस पार्लियामेंट इज इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज, देखो ये पार्लियामेंट को खुद इस तरह डिजाइन किया गया, इस तरह बनाया गया है पर्टिकुलर मैनर में कि वो क्या करे, लॉ को बनाए। मैं ये हपाजाट मैनर नहीं है, ये ऑर्डरली मैनर में किया गया, और वो भी संविधान ने ही बनाया है, संविधान ने ही तय किया कितना सीट्स आने चाहिए, उसके लिए डिलिमिशन कमीशन भी बैठता है, जानते हो, आफ्टर इस सेंसस। और अभी जो सेंसस चल रहा है वो 1971 के सेंसस के हिसाब से, जानते हो, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड्स होते हैं। तो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये संविधान का दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या था बच्चे लोग? मिनिमल कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड क्या है कि इट इज अथॉरिटी, यानी कि संविधान ही के पास वो अथॉरिटी है, पावर है, जिसके वजह से सरकार बनती है। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी ऑल्सो, क्योंकि यहां पे पावर बैलेंस होगा। तो देखो क्या लिखा गया बच्चे लोग यहां पे, इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, सरकार बनाने का जो अधिकार है। अब ये सरकार बनाने का मतलब है बच्चे लोग, खाली गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट का भी, मैं बात कर रहा हूं जुडिशियरी का भी, मैं बात कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव का भी। जब मैं स्टेट गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं स्टेट एग्जीक्यूटिव का भी, स्टेट लेजिस्लेचर का भी, और स्टेट जुडिशरी का भी। तो ये पावर जो है कि कौन कितना काम करेगा, ये संविधान ही देता है। तो देखो क्या लिखा गया है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी, किसके पास पावर है। अच्छा, लॉ को इंप्लीमेंट करने का पावर किसको है? गवर्नमेंट ऑफ द डे को है, तो एग्जीक्यूटिव को है। दैट इज इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, कैसे सरकार बनेगी। सरकार बनने के लिए इलेक्शन प्रोसेस। तो फर्स्ट समझ में आया बच्चे लोग कि कैसे मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो सोसाइटी में, कैसे मिनिमल एश्योरेंस हो, कैसे लॉ एंड ऑर्डर बहाल रहे सोसाइटी में डिस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। सेकंड क्या है, कैसे सरकार बने और कैसे सरकार अपना गवर्नेंस चलाए, तो वो भी संविधान से ही डिराइव होगा पावर।
थर्ड फंक्शन देखो, अच्छा पावर तो दे दिए गवर्नमेंट को, पावर तो दे दिए लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का, जुडिशरी को भी पावर दे दिए लॉ को देखने का कि लॉ सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मगर यदि पावर ये अनलिमिटेड हो तो प्रॉब्लम होगा ना, किसी को भी पावर ज़्यादा दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो संविधान ये भी है कि ये पावर को लिमिट करती है कि तुम्हारा डोमेन यहीं तक है। तो उसके लिए संविधान क्या करती है, सिटीजन को बेसिक राइट्स दे देती है, फंडामेंटल राइट्स दे देती है, और ये कह देती है एग्जीक्यूटिव से कि तुम करते रहो, बट इसका जो नागरिक है आपके कंट्री का, इसका संविधानिक जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो वॉलेट नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो थर्ड फंक्शन है वो लिमिट फिक्स करती है ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड अदर DPSP टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आ रहा है समझ में? यही UPSC का सवाल था, व्हाट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब यही होता है, सरकार है जो काम कर रही है मगर वो संविधान के हिसाब से काम करेगी, अपना मनमानी नहीं करेगी। डेट इज अ थर्ड फंक्शन। सरकार के ऊपर भी लिमिट, वो संविधान से ऊपर नहीं जा सकता है, और संविधान में जो अधिकार दिया गया है नागरिक के लिए उसको बाईपास नहीं कर सकता है, उसको वॉयलेट नहीं कर सकता। यदि उसको वॉयलेट कर रहा है तो फिर जुडिशरी है, जुडिशरी न्याय देगा। देखो, लेट अस कंसिडर दैट द गवर्नमेंट हैज बीन क्रिएटेड एंड इट इज पासिंग लॉज विच आर टोटली अनफेयर। चलो पार्लियामेंट बन गया, प्रतिनिधि भी चुन के आ गए, और पार्लियामेंट क्या कर रहा है, गलत गलत लॉ पास कर रहा है, और एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो क्या होगा सिचुएशन समझ सकते हो। तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। मान लो ऐसा लॉ बन के आ गया कि जिसके वजह से हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, समझे, हम फ्रीली नहीं गा पा रहे हैं जो हमको गाना गाना था, हम फ्रीली वो हर चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो हमको करना था, हमको एक सर्टन प्रोफेशन जैसे मुझे टीचिंग करना था हम कर नहीं पाए क्योंकि उस तरह का लॉ बन गया। आज जैसे तुम लोग कुछ काम करना है वो तुम लोग कर नहीं रहो क्योंकि उस तरह का कोई लॉ बन गया है, तो डू यू थिंक ये सही चीज़ है? नो, इसी के ऊपर लिमिट है। सरकार अपने दायरे में, अपने लक्ष्मण रेखा में काम करे, जो बेसिक अधिकार है नागरिक का उसको वॉयलेट ना करे, उसका हनन ना करे। तो इन सच केसेस इंडिविजुअल लिबर्टी हैव बीन इंक्रोच बाय द गवर्नमेंट। ऐसे केसेस में लॉ बना के इंप्लीमेंट करके जो राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक लिबर्टी है वो वायलेट हो जाएगा, और गवर्नमेंट ये कर रही है। मतलब ये गवर्नमेंट इस तरह यदि कर रही होती है तो संविधान क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट फिक्स करता है कि ये आपको नहीं करना, ये आपका डोमेन का चीज़ नहीं है। तो हेयर समझ में आ रहा है बच्चे लोग, हेयर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू प्ले, यहीं पे संविधान आता है और संविधान लिमिट फिक्स करता है गवर्नमेंट, नो आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते हो, आप ऐसा कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो जहाँ पे बेसिक राइट्स सिटीजन्स का वॉयलेट हो, और इसके लिए जुडिशरी बैठा हुआ है, जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देगा ऐसे लॉ को, ऐसे पॉलिसीज को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो यहीं संविधान का रोल बहुत मायने रखता है, क्योंकि संविधान ही है जो गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट का, जो पॉलिटी का, जो एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे का, गवर्नमेंट ऑफ द डे का लिमिट फिक्स करता है, उसका लक्ष्मण रेखा फिक्स करता है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई द सर्टन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज सिटीजंस एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट। तो सबसे बेसिक तरीका क्या हो सकता है, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि नागरिक को बेसिक अधिकार दे दो। तो नागरिक को जब बेसिक अधिकार मिल गया और यदि उसको वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी बैठेगा वहाँ पे देखने के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है गवर्नमेंट का लिमिट फिक्स करने का कि बेसिक राइट्स दे दो सिटीजन्स को। जब सिटीजन को बेसिक राइट्स मिल जाएगा तो गवर्नमेंट यदि वॉयलेट भी करती है तो जुडिशरी है देखने वाला। और यदि मान लो कि सिटीजन को बेसिक राइट्स नहीं मिलता तो फिर बात सब्जेक्टिव हो जाता, फिर उस पर दुनिया भर का इंटरप्रिटेशन होता। तो इसलिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स देना बहुत जरूरी है ताकि गवर्नमेंट के लिए एक लिमिट फिक्स हो। यहीं पर आता है पॉजिटिव कनोटेशन और नेगेटिव कनोटेशन। फंडामेंटल राइट्स नागरिक के लिए बहुत ही पॉजिटिव कनोटेशन है, पॉजिटिव चीज़ है, बट सरकार के लिए बहुत नेगेटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि सरकार का लिमिट फिक्स करता है वो। इस पॉइंट को बच्चे लोग जो क्लास में बैठे हुए हो तुम लोग को भी लिखना है, पॉजिटिव कनोटेशन, नेगेटिव कनोटेशन, समझे, क्योंकि आने वाले समय में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो ये पॉजिटिव कनोटेशन और नेगेटिव कनोटेशन के बारे में जिक्र होगा। तो एक तरह से सरकार के लिए लिमिट है, सरकार के लिए नेगेटिव चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, बट नागरिक के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि सरकार का लक्ष्मण रेखा तय होता है फंडामेंटल राइट्स से कि सरकार इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो थर्ड फंक्शन क्या हुआ संविधान का, संविधान का जो थर्ड फंक्शन हुआ बच्चे लोग कि टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट इम्पोजेस ऑन इट्स सिटीजन, कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ इम्पोज कर सकती है एक सिटीजन के ऊपर,
फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा कुछ इम्पोज नहीं कर सकती, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं करना है। यदि फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाएगा तो फिर जुडिशरी एक्टिव रहेगा। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस डैट गवर्नमेंट कैन नॉट नेवर ट्रेसपास देम। ये लिमिट जो है ये अपने आप में बेसिक्स फंडामेंटल, इसलिए क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ है जो गवर्नमेंट कभी भी इस चीज़ को वॉयलेट नहीं कर सकती है। यदि गवर्नमेंट वॉयलेट करेगी तो जुडिशरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और अपना संज्ञान लेगा जुडिशरी। तो ये जो ट्रेसपास देख रहे हो, ये ट्रेसपास का मतलब होता है वॉयलेट। तो समझ गए बच्चे लोग, ये आंसर मिल गया तुम लोग को क्यों ये फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल इसलिए है कि सरकार कम से कम इस लिमिट को टच ना करे, समझे, इस लिमिट को टच ना करे, क्योंकि सरकार का जो दायरा है इसको टच करने का नहीं है, सरकार का जो रोल है इसको टच करने का नहीं है, इसलिए ये फंडामेंटल है, इसलिए बेसिक्स। तो दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस डैट गवर्नमेंट कैन नॉट कैन नेवर ट्रेसपास देम, गवर्नमेंट कैन नेवर वॉयलेट देम, गवर्नमेंट कभी वॉयलेट नहीं करना। यदि गवर्नमेंट वॉयलेशन हो गया गवर्नमेंट के द्वारा तो जुडिशरी बैठा हुआ है न्याय देने के लिए। तो पहला फंक्शन क्या देखें, मिनिमल कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सेकंड क्या देखें, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट बनना चाहिए। तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट जो बना है उसके उसके ऊपर लिमिट होना चाहिए, उसके ऊपर लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। कैसे लक्ष्मण रेखा होगा, बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अब देखोगे फंक्शन फोर, फंक्शन फोर क्या है बच्चे लोग, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी। अच्छा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग अलग टाइप के हैं, डाइवर्सिटी है, मार्जिनल ग्रुप के लोग सब है यहाँ पे, एससी है, एसटी है, चिल्ड्रन है, माइनॉरिटी वाले लोग सब है। तो संविधान ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस तरह का संविधान होना चाहिए। तो संविधान का जो चौथा फंक्शन होगा ये क्या होगा कि जो लोगों का जो आकांक्षा है, इच्छा है, उसको पूर्ण करे। जैसे मान लो कि एक ऐसा संविधान बन गया जहाँ पे केवल मेजोरिटी का ही बात, तो फिर माइनॉरिटी क्यों फॉलो करेगा ऐसे संविधान को। एक ऐसा संविधान है जहाँ पे केवल रिच आदमी को ही मिलता है बेनिफिट्स। जैसे याद करो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या कहा जाता है, बुर्जुआजी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, फिर उसको बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ, फिर जाके ठीक हुआ है वो। तो संविधान ऐसा होना चाहिए जो सबके एस्पिरेशन को लेकर चलना हो, तभी सब लोग अपने आप को जोड़ेगा संविधान से। तो देखो फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड देमसेल्फ लार्जली टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर्स एंड सेटिंग सम लिमिट्स टू द गवर्नमेंट पावर। देखो अधिक से अधिक जो जितने भी पुराने संविधान हैं, इनफैक्ट नए संविधान भी, अभी भी संविधान देखोगे या पहले का जो संविधान देखोगे, तो उसका काम ये मात्र था कि गवर्नमेंट का पावर कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट का कैसे गवर्नमेंट बनना चाहिए और गवर्नमेंट का लक्ष्मण रेखा कितना होना चाहिए, कितना पावर होना चाहिए। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अफर्मेटिव एक्शन का ही बात किया गया है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी का बात किया गया है, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी भारत में नहीं हो सकता है। जब भारत में एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं होगा तो रिजर्वेशन होगा, ताकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है जिस वर्ग के साथ उसको भी बराबर ला सके, उसको भी रिजर्वेशन के थ्रू जॉब दिया जा सके, वो भी पॉलिटिकली इम्पावर्ड हो, वो भी सोशली इम्पावर्ड हो। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी खास है कि केवल यहाँ गवर्नमेंट को पावर देने तक बात नहीं है, यहाँ पे जो तबका बहुत पीछे रह गया उस तबका को भी उठाने का बात है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो संविधान है वो बहुत लेंदीएस्ट होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ दिया गया है, सोसाइटी में जो बुराई है उसको भी करेक्ट करने का, उसको भी रेक्टिफाई करने का तरीका दिया गया है। तो देखो वही सेकेंड में लिखा गया है बच्चे लोग, हावेवर पहले का जो ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन होता था क्या था कि सरकार के ऊपर लिमिट फिक्स करना कि आपको ये काम करना है, बाकी कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बट जो अभी का जो संविधान है, जो भारत का जो संविधान है, वो कैसा है देखो, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को तो बता ही रहा है कि आपको क्या काम करना है, पॉजिटिव वर्क करना है, आपको एस्पिरेशन पूरा करना है, हाँ उसके लिए DPSP है, फंडामेंटल राइट्स है, और डिप्राइव्स जो इनइक्वलिटी हुआ है, हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुआ उसको भी आपको उठाना है और उस तबका को भी लेके चलना है, मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो संविधान है वो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को लेके चल रहा है, ज़्यादा लोगों को लेके चल रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेके चल रहा है। तो इसलिए भारत का जो संविधान है वो डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इतना कुछ नहीं दिया गया बाकी संविधान में,
देखो वही चीज लिखा गया है, हाउएवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल एज इट प्रोवाइड्स फॉर एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टन पॉजिटिव थिंग्स, दैट इज टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ द सोसाइटी, यानी कि पॉजिटिव चीज करने के लिए प्रेरित करता है। देखो DPSP 46, आर्टिकल 46, देखो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सोसाइटी का बेटरमेंट करने के लिए है सभी चीज। नंबर थर्ड देखोगे, इट टेक्स सम पॉजिटिव मेजर्स, वही अफर्मेटिव एक्शन, ताकि जो इनइक्वलिटी जो सामना कर रहे हैं, डिप्राइवेशन सामना कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन, वो तबका भी, वो मार्जिनल ग्रुप भी, वो SC भी, वो ST भी, वो वुमेन भी मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ के आगे बढ़ सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। तो देख रहे हो बच्चे लोग, संविधान का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि संविधान लोगों का जो एस्पिरेशन है, जो लोगों का इच्छा आकांक्षा है, सभी का पूरा करना चाह रहा है, जो तबका जो पीछे है उसको भी आगे ले जाना चाह रहा है, दैट इज द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड ए लाइफ ऑफ मिनिमम डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट। सही बात है, जो हमारे फ्रेमर्स संविधान जो फ्रेम किए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे हमारे जो एक्सपर्ट्स सब, पॉलिटिकल लीडर्स सब, KM मुंशी, BR अम्बेडकर, इस तरह के बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट थे, जो बैठे हुए थे, उन्होंने इस तरह संविधान को बनाया ताकि कम से कम जितने भी लोग हों हमारे भारत के जो नागरिक, सबको मिनिमम डिग्निटी मिल सके। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, समझे ना, ताकि सोशल रेस्पेक्ट मिल सके, एक आदमी, एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल पे हावी ना हो, सबका रेस्पेक्ट हो, सबका डिग्निटी हो। राइट टू डिग्निटी का बात करेंगे तो आर्टिकल 21, तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, दिस प्रोविजन हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रीएम्बल। देखो ये प्रीएम्बल में भी दिया गया ना, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये प्रीएम्बल में भी दिया गया है, DPSP में दिया गया और फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, राइट टू हैव रिलीजन, टू प्रोफेस रिलीजन, समझ गए ना। तो DPSP में दिया गया, आर्टिकल 46, आर्टिकल 44, हाँ गांधीयन DPSP, इंटेलेक्ट DPSP, इंटेलेक्चुअल DPSP है कि नहीं बताओ, तो सोशलिस्ट DPSP, Everywhere you can find these things. The preamble में दिया गया है, the fourth function of the constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of society and create conditions for a just society. देख रहे हो ना, चौथा जो function है संविधान का, कि ऐसा society बनाए जो justiciable society हो, जो न्याय वाला society हो, जिसमें भेद ज़्यादा ना हो, हाँ ऐसा condition बनाए, ऐसा society बनाए जहाँ पर अधिक से अधिक लोग का aspiration पूरा हो, चाहे भले ही वो वंचित हो उसको भी बराबर लाना, उसको भी मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना, दैट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ फंक्शन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, यही फंक्शन से तुम लोग का एथिक्स पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। देखो संविधान जो है ना, संविधान आपको बहुत सारा आइडेंटिटी देती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी देती है आपको और मॉरल आइडेंटिटी भी देती है। क्या होता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, क्या होता है मॉरल आइडेंटिटी, बच्चे लोग बात समझो, तुम जिस जगह रह रहे हो तो उस हिसाब से तुमको जाना जाएगा। कोई कहेगा कि तुम हरवानी भी हो, कोई बोलेगा तुम सिक्किमीज हो, कोई बोलेगा तुम तेलुगु हो, कोई बोलेगा तुम बिहारी हो, कोई बोलेगा तुम दिल्ली हाइट्स हो, हाँ करेक्ट, कोई गोवा में रहेगा तो बोलेगा गोवा का आदमी हो, करेक्ट। तो ये आपका जगह के हिसाब से आपका आइडेंटिटी हो गया, करेक्ट, आपके कास्ट के हिसाब से भी आपका आइडेंटिटी है, मगर जो संविधान है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, दैट इज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तुम जो भी हो तुम इंडियन हो, बात खत्म। तो अनेकता में एकता आया कि नहीं आया, भले हम किसी भी जगह से हो, भले ही किसी भी संप्रदाय से हो, पहले क्या हम लोग इंडियन है। ये कौन देता है, संविधान देता है, क्योंकि संविधान ही तो आपको नागरिक का अधिकार दे रहा है, सिटीजन बनने का अधिकार। यदि आप सिटीजन नहीं हो तो आप सिटीजन बन भी सकते हो, और यदि बाय बर्थ आपके पिताजी सिटीजन थे, आपके माताजी सिटीजन थे, तो आप सिटीजन हो बाय बर्थ। तो ये आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये आपको मॉरल आइडेंटिटी भी प्रदान करता है। मॉरल आइडेंटिटी मतलब क्या है, तो मॉरल आइडेंटिटी समझना है तो बच्चे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को समझना होगा हमें, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ एथिक्स पेपर। यही GS पेपर 4 में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक रूल्स और जो रूल्स और रेगुलेशन है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी प्रमोट हो, इक्वलिटी प्रमोट हो, जिसके वजह से सब्सटेंटिव इक्वलिटी रहे, जिसके वजह से लिबर्टी हो, ऑल आर द डेमोक्रेटिक मोरालिटी,
तो हमें ये हर चीज करना है जिससे डेमोक्रेसी प्रमोट हो, डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। जिसे संविधान का जो वैल्यूज हो वो प्रमोट हो, डेट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। और यदि कोई चीज़ तुम गलत करते हो और जिसके वजह से संविधान का जो प्रोविजन्स, संविधान का जो अंग है, संविधान का जो उपदेश है वो वायलेशन होता है, तो कहोगे कि यू आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ऑफ दिस कंट्री। आया समझ में? डेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द पॉलिटिकल आइडेंटिटी और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द मॉरल आइडेंटिटी ऑल्सो, कि तुमको क्या क्या करना है। तुम गलत चीज़ करोगे तो यस यू विल गेट पनिशमेंट ऑल्सो। समझ गए बच्चे लोग? हाँ, तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, LISM। तो संविधान का मतलब बेसिक सेट ऑफ रूल्स जिसके आधार पे सरकार काम करेगी, जिसके आधार पे बनाया जाएगा बॉडीज, जिसके हिसाब से कंट्री को गवर्न किया जाएगा, डेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे संविधान को फॉलो करके, जहाँ पे संविधान को फॉलो करके सरकार रूल कर रही है कंट्री को। ये जो प्रोसेस है, ये जो पॉलिटिकल जो डॉक्ट्रिन है, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, डैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसका मतलब एक संविधान को अच्छे से कैरी करना है, संविधान को आगे ले जाना है, तो वी शुड गिव 100% फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें 100% फोकस करना, क्योंकि वो प्रोसेस है संविधान को फॉलो करने का। आया समझ में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो संविधान को फॉलो करने का जो तरीका है, किस तरीके से फॉलो होना चाहिए संविधान, ये जो प्रोसेस है वही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स है। और सरकार को क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोसेस से संविधान को फॉलो करवाना होगा। एक कंट्री, बच्चे लोग देखो, बहुत बड़ा बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। एक कंट्री बिना संविधान का चल सकता है, एक कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं चल सकता है। संविधान बना दिए मैं, उसको ठीक से रेगुलेट ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा हुआ? संविधान नहीं बनाया मैं, सरकार फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही, तो चल गया देश। तो एक देश बिना संविधान का चल सकता है, एक देश बिना संविधान का चल सकता है, बट तुम्हारा क्या है, हाँ, एक कंट्री बिना संविधान का चल सकता है बट कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं चल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तुम्हारा किस तरफ फॉलो करना है। समझे बच्चे लोग क्या बोले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो प्रोसेस जो करना है, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यदि मान लो कि तुम्हारे पास सेट रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, मगर तुम्हारा प्रोसेस सही है तो देश चलेगा। मान तुम्हारे पास रूल्स और रेगुलेशन है मगर तुम्हारे पास प्रोसेस ही गायब है, तो फिर देश नहीं चलेगा। तो एक देश बिना संविधान का जीवित रह सकता, आगे चल सकता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं चल सकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बिना नहीं चल सकता है। देख, समझ गए? आगे देखो, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, नोट्स में देखोगे बच्चे लोग। हाँ, नंबर वन, ये क्या है, फंक्शन फाइव। फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। यही संविधान है जो फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है पीपल को, पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, मॉरल आइडेंटिटी देता है। हाँ, यहीं पे देखो, इसका मतलब क्या है, पीपल एज द कलेक्टिव एंटिटी कम इन टू बींग ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं प्रियम्बल में? इसका मतलब क्या, वी द पीपल, हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हम अपना संविधान स्वयं लिखते हैं और अपने ऊपर इन्फोर्स करते हैं। तो ये कहाँ से अधिकार मिला, संविधान से। और संविधान को कौन बनाया, हम लोग बनाए। और संविधान किसके लिए काम कर रहा है, हम लोग के लिए काम कर रहा है। तो ये रेसिप्रोसिटी है, हम संविधान को बनाए, संविधान हमको बना रहा है, संविधान हमको वो बेसिक राइट्स दे रहा है। दिस मीन दैट पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी, सब लोग एक साथ आते हैं, समझे ना, ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के थ्रू आ सकते हैं। और संविधान बनाने में भी वही पीपल का ही हाथ है। इट इज़ बाय अग्रिंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्नमेंट एंड हु शुड बी गवर्नमेंट एंड दैट फॉर्म्स ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। यानी कि कौन सरकार बनाएगा, किस तरह आगे जाएगा, दैट फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कौन बनाएगा, हम कौन बनाएगा, इस देश को कौन चलाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम चलाएंगे देश को। किस तरह चलाएंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से, कैसे, प्रतिनिधि को भेज के, चुन के। तो वन हैज मैनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज। संविधान बनने से पहले या फिर अभी भी बहुत सारा आइडेंटिटी है कि नहीं पीपल का, बट जो आप जब बेसिक नॉर्म संविधान का फॉलो करते हो तो आपका एक आइडेंटिटी हो जाता है, डैट इज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एंड इट इज नथिंग बट नाउ यू बिकम इंडियन, आप इंडियन हो गए, डैट इज़ योर पोलिटिकल आइडेंटिटी है, समझे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स यू मॉरल आइडेंटिटी ऑल्सो, डैट इज कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी।
अब काउंसिल ऑफ मॉरालिटी देखो, तुम आर्टिकल 19 उठाओ, आर्टिकल 22 उठाओ, आर्टिकल 25 उठाओ, आर्टिकल 26 लिखाओ उठाओ, सब जहाँ पे सब जगह रीजनल रिस्ट्रिक्शन है ना जी, ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ, मॉरालिटी, डिसेंसी है कि नहीं है? यस, मॉरालिटी का मतलब है कि ऐसा कोई काम मत करो जिसके वजह से सोसाइटी में दिक्कत हो जाए, डूस और डोंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन तुमको मॉरल आइडेंटिटी भी देता है, तुमको पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स ऑथोरिटिव कॉन्स्टेंट अपन व्हाट वन मे और मे नॉट बी, इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज इन सोसाइटी दैट वी मे नॉट, यानी कि संविधान ये भी हमें अथॉरिटी देता है, हमें ये भी देता है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, यानी कि तुम क्या कर सकते हो एक सिटीजन होके, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम कहाँ तक वॉयलेट कर सकते हो, तुम कहाँ तक वॉयलेट नहीं कर सकते हो, ये भी तुमको संविधान देता है। देखो ना आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 तुमको मिल गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मगर तुमको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, दैट कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, कि कहाँ तक क्या चीज़ को देखते हुए तुमको बोलना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आया मन में बोल दिए, तुम क्या स्पीच देना है, क्या एक्सप्रेस करना है, क्या प्रोफेशन करना है, ऐसा प्रोफेशन तो नहीं करना है ना जहाँ पे ड्रग्स हो, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाए, तो देर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को देखते हुए जिसे लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट रहे, हमारा जो सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी वो इंटैक्ट रहे, सभी चीज़ को देखते हुए उसको वायलेट नहीं करना है, डैट इज़ कॉल्ड योर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। तो ये भी कौन दे रहा है, संविधान ही तो दे रहा है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द फंडामेंटल आइडेंटिटी, एंड दिस फंडामेंटल आइडेंटिटी कैन बी योर मॉरल आइडेंटिटी एंड इट कुड बी योर पॉलिटिकल आइडेंटिटी डिस्पाइट ऑफ योर अदर आइडेंटिटीज। हो सकता है तुम्हारा अपना कल्चर का आइडेंटिटी हो सकता है तुम्हारा अपना स्टेट का आइडेंटिटी हो सकता है तुम्हारा कास्ट का आइडेंटिटी हो, वो सब छोड़ के तुमको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी दे रहा है, समझ गए? हाँ, तो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यहाँ पे बच्चे लोग समझोगे आखिर ये संविधान बनता कैसे, ये तो समझ गए, फंक्शन समझ गए, यस वी हैव सीन कि क्या क्या फंक्शन हो सकता है। In most countries, the constitution is a compact document that comprises a number of articles about the states, specifying that how a state is to be constituted and what norms should follow. क्या है, क्या बोल रहा है? अधिकतर कंट्री में जो देखते हैं, चाहे वो चाहे वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो डिक्टेटर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, दुनिया भर का चीज़ लिखा है, जैसे बिल ऑफ राइट्स देखो, फंडामेंटल राइट्स है ना यूनाइटेड स्टेट्स का, वहीं से हम लोग लिए हैं, तो दुनिया भर का चीज़ मिलेगा। और संविधान बना ही इसलिए, बना ही इस तरह ताकि स्टेट किस तरह चल सके, स्टेट कैसे चले उसी के लिए संविधान बना है, कैसे फॉलो कर सके। मगर ऐसे बहुत सारे कंट्री है विद्यार्थी लोग जहाँ पे प्रॉपर संविधान नहीं है, मगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, समझ में आ रहा है? जैसे यूके देखो, यूके में कोई प्रॉपर संविधान नहीं है, देखो 1215 से चार्टर स्टार्ट हुआ, मैग्ना कार्टा इसको बोलते हैं, 1215 से मैग्ना कार्टा स्टार्ट हुआ यूके से, स्टिल कैरी है वो, वहाँ पे कन्वेंशंस, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें कोडिफाइड नहीं है, हमारा जो भारत का जो संविधान है वो कोडिफाइड है, और फिर भी वो देश चल रहा है ना, वो देश इसलिए चल रहा है कि वहाँ संविधान रिटर्न नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वो प्रोसेस है देश को आगे चढ़ाने का, बढ़िया बनाने का। यूके देखते हो कितना बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, जहाँ पे ऋषि सुनक मतलब इस लेवल पर हार भी सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं, समझ गए? एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री किसको माना जाएगा, जो गवर्नमेंट में जो पावर में है वो हार भी सकता है, निशानी होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, जो पावरफुल है, जो सत्ता पे है वो अपोजिशन में भी जा सकता है, वो हार भी सकता है, एक अच्छा कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ये निशानी होता है, समझे? वहाँ पे देखो नंबर टू, देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, बट सब कंट्रीज लाइक यूके, उसके पास डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट, उसके पास एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, उसके पास चार्टर एक्ट है, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ डिसीजन कलेक्टिवली लेते हैं और उसको संविधान बोलते हैं। तो संविधान जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सिंगल है ना, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, वैसा नहीं है, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बहुत लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और भी अलग अलग एरा का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे लोग को कि कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो प्रोसेस। द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाउ इफेक्टिव, कितना कारगर रहता है संविधान, किसी भी कंट्री का संविधान कितना कारगर हो सकता है और क्या ऐसा चीज़ है जो उसको कारगर बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है फॉलोइंग चीज़ पे, देख सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर वन, यानी कि
संविधान को, संविधान जो है वो कितना बेस्ट है, वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना एफिशिएंट है, वो डिपेंड करता है नंबर वन फैक्टर मोड ऑफ प्रमलगेशन। मोड ऑफ प्रमलगेशन मतलब क्या है, किस तरह बनाया गया वो संविधान को, कौन कौन लोग थे उस संविधान को बनाने के लिए। इंडिया ब्लेस्ड है इस चीज़ में, इंडिया ब्लेस्ड है। क्यों, तुमको स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये दो जो ग्रेट लीडर रहे हैं भारत के, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर, कितने महान रहे हैं। एक फर्स्ट पीएम ऑफ दिस कंट्री और दूसरे क्या है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो और कितना बड़ा चेहरा है, अभी भी एग्जांपल देते हैं हम लोग फ्रीडम फाइटर्स का। जब आपका कंट्री में ऐसे लोग जो पब्लिक फिगर रहे हैं और जिससे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, जो मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, और ऐसे लोग यदि संविधान बनाए तो संविधान जरूर चलेगा। ऐसा लोग जो, यानी कि जो लोग पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर का मतलब है यहाँ पे वो पॉपुलैरिटी नहीं है, पॉपुलर का मतलब लोगों का सपोर्ट। ऐसे लोग जो लोगों का सपोर्ट नहीं है जिस लोग को, और वो संविधान बना रहे हैं, तो वो संविधान आगे नहीं चल पाएगा। और इंडिया का देखो विरासत, इंडिया देखो कितना मेहनत करके आज़ादी मिला है इंडिया को, तो वी रेस्पेक्ट देम। हम 15 अगस्त में रेस्पेक्ट देते हैं ना, जितने ही पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे। देखो इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट बिकॉज दे आर ड्राफ्टेड बाई या क्राफ्टेड बाई मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डोंट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। बहुत सारे कंट्री में संविधान बना और बर्बाद हो गया, काम ही नहीं किया कोई संविधान। बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ संविधान बनता है, संविधान खत्म हो जाता है। तो नेपाली बेस एग्जाम्पल देखो, नेपाल कहाँ अच्छे से रहा है, उसका डेमोक्रेटिक जो क्रीडेंशियल उतना बेटर नहीं रहा। ऐसा अफ्रीकन कंट्री भी देख सकते हो तुम लोग बहुत सारा, तो वहाँ पे इसलिए नहीं रह पाया बहुत सारा कंट्री में, कारण क्या कि कौन बनाया था उसको, वो लोग नहीं थे जो पॉपुलर थे, वो लोग नहीं थे जो मास लीडर थे, वो मिलिट्री वाले लोग सब थे, वो ऐसे लोग थे जिसको मास सपोर्ट नहीं था। तो ऐसे लोग जब संविधान बनाएंगे तो संविधान आगे नहीं जा सकता, वो संविधान बर्बाद हो जाएगा। सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहोगे तो भारत का, साउथ अफ्रीका का, यूनाइटेड स्टेट्स का। देखो ना यूनाइटेड स्टेट्स, अब मैं जब यूनाइटेड स्टेट्स का बात कर रहा हूँ तो बताओ बच्चे लोग, तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जेम्स मेडिसन, हाँ जेम्स मेडिसन इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि मैं बात करूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो बी आर अम्बेडकर जी हैं। मेरा सवाल था कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा था, हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फादर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फादर कौन है, तो निकोलो मैचेवेली है। निकोलो मैचेवेली फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन वही बच्चे लोग जो फोर्थ प्रेसिडेंट भी रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और ड्राफ्टिंग कमेटी में कह सकते हैं वहाँ जब बन रहा था संविधान वो भी आदमी प्रेजेंट थे, तो बने वो। आज लोगों को बोलने में बहुत गर्व होता है कि वो फादर रहे, आज हमें बोलने में कितना गर्व होता है कि बी आर अम्बेडकर जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। क्यों, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर भी है, उन्होंने वो संघर्ष भी किया है, समझे बात को। तो वही चीज़ें देखो, जो सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो वर्ल्ड का जो रहा है, जैसे इंडिया का है, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स का रहा, वो इसलिए रहा है क्योंकि पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद हुआ है, क्योंकि ये कभी ना कभी किसी के गुलाम रहे हैं ये सब कंट्री, और वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ पर जद्दोजहद हुआ है, उसके बाद देश आज़ाद हुआ, और फिर ये लोग अपने मेहनत से संविधान को लिखे हैं, तो वो संविधान कभी फ्लॉप नहीं होगा, वो संविधान आगे जाएगा। क्यों, मेहनत करके लिखा गया संविधान है, वो बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके मिला हुआ संविधान है, बात समझे। और किसी को भीख में आज़ादी मिल जाता है तो वो आज़ादी को समझ में नहीं पाएगा ना, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज देखो। तो यहाँ पर बच्चे लोग समझना होगा तुम लोग को कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ड्रॉन अप बाई पीपल हु इंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। अब जाहिर सी बात है संविधान बहुत ही खास होगा, लेजिटमेट होगा। क्यों, क्योंकि जो भारत का जो संविधान जो बनाए हैं, जो लोग सब शामिल रहे हैं, जो स्टेक होल्डर शामिल रहे हैं, वो सब पब्लिक क्रेडिबिलिटी को इंजॉय करते थे, समझे। एंड कमांड द रेस्पेक्ट ऑफ द वाइड क्रॉस, यानी कि बहुत सारे, केवल एक ही वर्ग नहीं। देखो ना बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर एस सी कास्ट से आते थे ना, क्या एस सी वाले लोग ही मानते हैं क्या इनको, हर लोग मानते हैं इनको। तो वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल भी रेस्पेक्ट करते थे ऐसे, ऐसा नहीं कि इनका तो एक ही लिमिट था, एक ही सेक्शन ऑफ पीपल नहीं पूछते थे। गांधी जी देखो, सब लोग पूछ रहे हैं गांधी जी को, मैक्सिमम लोग पूछ रहे हैं उनको, तो क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है ऐसे लीडर्स का। देयरफॉर
द अथॉरिटी ऑफ द पीपल हु एनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन संविधान को लिख रहा है, कौन प्रमुलगेट कर रहा है उसको, कौन बना रहा है वो डिपेंड करता है उसका पब्लिक क्रेडिबिलिटी क्या है। यदि पब्लिक क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है संविधान भी स्ट्रांग रहेगा। तो पहला क्या है, मोड ऑफ प्रमुलगेशन, संविधान बनाया किसने, बनाने का तरीका क्या था। देखो हमने 3 साल लगाया लगभग बनाने में, और हमने अलग कंट्री से 60 कंट्री से हमने एक्सपीरियंस भी लिया है उस चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग होगा। और संविधान बनाने वाले आदमी खुद संविधान को चला रहे हैं, बी आर अम्बेडकर के साथ है ना पंडित नेहरू जी, तो संविधान कहाँ वो तार तार होने देंगे, वो संविधान को लेकर चलेंगे ना। यदि वही पावर दूसरे को आ जाता तो हो सकता है वो संविधान को डाइवर्ट कर देता, यू नेवर नो। तो जब संविधान बनाने वाले निर्माता ही खुद उसको लेकर चले तो बेटर तरीके से लेकर चल सकते हैं। क्रेडिबिलिटी आया बच्चे लोग समझ में, आगे देखो सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर प्रोविजंस क्या है, प्रावधान क्या है। अच्छा संविधान में केवल बात होगा हिंदू हिंदू का, केवल बात होगा अमीर अमीर का तो संविधान पूरा नहीं होगा। सबके बारे में चर्चा होना चाहिए, तभी वो संविधान आपका बेटर होगा, तभी वो संविधान एक्सेप्टेबल होगा। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरी वन इन द सोसाइटी सेम रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजन्स। यानी कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का एक हॉलमार्क है, एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे सभी लोग के लिए प्रोविजन्स है उस संविधान में, ताकि सब लोग इंजॉय कर सके, सब लोग आगे बढ़ सके। द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउज फॉर परमानेंट मेजोरिटी, यदि कोई ऐसा संविधान जहाँ पे मेजोरिटी को ज़्यादा पावर दे माइनॉरिटी को दबाने के लिए, वो संविधान आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि माइनॉरिटी उस संविधान को नहीं मानने जा रहा है। उसी तरह एक किसी वर्ग को तुमने स्पेशल प्रिविलेज दिया और किसी दूसरे वर्ग को नहीं दिया तो वो संविधान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। बात समझे, इफ़ एनी ग्रुप, किसी ग्रुप को लगे कि हमारे आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है, कब्र किया जा रहा है, तो कोई सवाल नहीं उठता कि वो संविधान को मानने जा रहा है, वो संविधान को नहीं मानेगा। तभी लोग संविधान को मानेंगे जब संविधान इक्वालिटी हो, संविधान के अंदर सब्सटेंटिव इक्वालिटी हो, परफेक्ट जस्टिस का बात हो। बात समझे, नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल डैट इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द परसुइंग बेसिक जस्टिस। यानी कि संविधान को अपील करना होगा कि देखो हम सबके लिए जस्टिस का बात कर रहे हैं। जब संविधान ये चीज़ को अपील कर पाएगा तो सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोग अवॉइड करेंगे उसको, और तब संविधान वो आगे बढ़ पाएगा। तो बात यही ना कि संविधान कैसे आगे चल पाएगा, कि कितना इफेक्टिव रह पाएगा। तो पहले क्या है, मोड ऑफ प्रमुलगेशन, कौन बनाया उस संविधान को, क्या तरीका है संविधान बनने का। दूसरा क्या है तुम्हारा, उसमें क्या प्रोविजंस है, क्या सब तबका का बात किया गया उसमें। यदि सब तबका का बात किया गया है, सब गरीब दुखिया का बात किया गया, सब कास्ट का बात किया गया, सब रिलीजन का बात किया गया, जरूर वो संविधान सक्सेसफुल होगा, क्योंकि रिलेट कर पाएगा उससे लोग सब। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान कैसे आगे चल सकता है, देखो संविधान ने तो बना दिया, मगर यदि संविधान एक किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा पावर दे दे फिर संविधान डाइवर्ट हो सकता है। देखो कहीं पे भी, यदि कहीं पे भी मिलिट्री कूप हुआ हो, जैसे मान लो कोई कंट्री बहुत अच्छा कंट्री था, वहाँ मिलिट्री कूप हो गया, वो मिलिट्री कूप इसलिए हुआ क्योंकि वो सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल ज़्यादा पावर को इन्जॉय कर रहा था, और उसने क्या किया, मिलिट्री कूप कर दिया, यानी कि वहाँ पे मिलिट्री बहाल कर दिया और संविधान तार तार कर दिया, संविधान बर्बाद कर दिया। तो संविधान बर्बाद ना हो, संविधान आगे और अच्छे से चले, सिस्टम और अच्छा चले, उसके लिए चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है सिस्टम में। इसीलिए जानते हो ना डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स और 4 पिलर्स भी ऐड हुआ ना उसमें, मीडिया। मीडिया तो मीडिया काम क्या है कि पब्लिक और एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन क्रिएट करे, सरकार को बताए कि पब्लिक क्या चीज़ से दिक्कत में है, और जो सरकार जो काम कर रही है वो पब्लिक के बीच में खबर जाए कि सरकार क्या काम कर रही है। दैट्स अ 4th पिलर। मगर जो भारत के जो संविधान में 3 पिलर है कि नहीं है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करेगा लॉ को, जो चलाएगा देश को, लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ बनाना, और जुडिशरी जिसका देखना कि लॉ संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, सरकार जो काम कर रही है वो संविधान के तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब मान लो कि तुम एग्जीक्यूटिव को ही सब पावर दे दोगे तो संविधान तो अगला दिन ही खत्म कर देगा। यदि मान लो कि कोई एग्जीक्यूटिव संविधान को बर्बाद कर रहा है, जुडिशरी चेक करेगा, लेजिस्लेचर चेक करेगा, तो संविधान तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। देखो बहुत सारे संविधान सबवर्ट हो जाते हैं, सब मतलब कुछ लोग सब आके, स्मॉल ग्रुप्स आके क्या करते हैं, संविधान को बर्बाद कर देते हैं ताकि वो अपना पावर को इन्जॉय कर सके। जैसे मिलिट्री कूप सब जो होता है, डिक्टेटर जो लोग होते हैं, देखते हो ना अफ्रीका में क्या होता है, संविधान ही बदल देता है लोग सब। जैसे व्लादिमीर पुतिन ने बदल दिया था ना संविधान को, वो प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बन गया,
श्रीलंका में भी हुआ था ना. तो वन वे ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर. तो एक सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि पावर का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करो कि कहीं एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो, सब पावरफुल हो और सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सके. तो कैसे करेंगे हम लोग, तो पावर को फ्रेगमेंट करके, पावर को तोड़ के, लेजिस्लेचर बना के, एग्जीक्यूटिव बना के और जुडिशरी बना के, और साथ साथ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेचुरी और रेगुलेटरी बॉडी बना के भी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे UPSC, इस तरह का चीज, जैसे CAG, आर्टिकल 148, 149, 150, आ रहा है बच्चे लोग समझ में. तो इस तरह इंडिपेंडेंट बॉडी बना के भी ताकि चेक एंड बैलेंस रहे. एंड दिस इंश्योर दैट इवन इन वन कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू डाइवर्ट, यदि मान लो कि कोई एक इंस्टीट्यूशन संविधान को बर्बाद करना चाहता है, संविधान को डाइवर्ट करना चाहता है, तो दूसरा खड़ा रहे ये बोलने के लिए तुम नहीं कर सकते हो. देखो बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस क्या हुआ, एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ ना. अब सरकार चाह के भी, लेजिस्लेचर चाह के भी वो लॉ नहीं ला सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे. तो चलने के लिए बच्चे लोग ये बहुत ज़रूरी है, संविधान चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रहे उसमें, समझ गए ना. हाँ, द इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यदि भारत का संविधान 75 साल प्लस ये चल पाया है, तो इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है चेक एंड बैलेंस को ही जाता है, कि अलग अलग संस्था है भारत में जो एक दूसरे को चेक करता है. एग्जीक्यूटिव कुछ गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे, जुडिशरी यहाँ पे खड़ा है, हाई कोर्ट यहाँ पे खड़ा है, समझ गए. तो देखो अब अगर इसका मतलब क्या है कि संविधान कैसा होना चाहिए, तो संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए. हमारे पास दोनों आर्टिकल प्रेजेंट है ना, आर्टिकल 3 भी प्रेजेंट है, आर्टिकल 368 भी प्रेजेंट है. तो संविधान हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि समय के साथ बहुत सारा चीज़ को एडॉप्ट करना है तो आराम से एडॉप्ट भी कर ले, समझ गए ना. अब बहुत सारा चीज़ को छोड़ना है तो वो भी छोड़ ले, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. देखो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर टू रिजिड, हमारा जो भारत का जो संविधान है ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज़्यादा कड़क है कि ज़्यादा वेट दे देंगे तो ब्रेक हो जाए, और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि कोई सिक्योरिटी ना आ रहे, कोई आइडेंटिटी ना आ रहा है पीपल का, यानी कि सब चीज़ को लेकर चलेगा, ये सब चीज़ को लेकर चलेगा, ये बैलेंस को लेकर चलेगा, ये पीपल का जो आइडेंटिटी है उसको भी मेंटेन करके चलेगा, और जो डायनामिक्स, जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, उस चीज़ को भी लेकर ये चलेगा. तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग टू न्यू सर्कमस्टेंसेस. तो एक संविधान वही सक्सेसफुल संविधान माना जाएगा जो अपने कोर वैल्यूज़ को भी, जो पहले का जो वैल्यूज, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, जिस वैल्यूज़ के लिए वो कंट्री जाना आता है, उस वैल्यूज़ को भी लेके चलना, और जो नया नया जो चीज़ हो रहा है, जो बहुत ज़रूरत है, उस चीज़ को भी अडॉप्ट करके चलना, तभी वो संविधान खड़ा उतर पाएगा. तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका. हाँ देखो यहाँ पे क्या है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजन, यानी कि भारत का जो संविधान है इसमें आप प्रोविजन्स को चेंज भी कर सकते हो, मतलब हम लोग बहुत नया चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो पार्लियामेंट सर्वोपरि है, बताओ 100 प्लस अमेंडमेंट हो चुका है संविधान में, हुआ कि नहीं हुआ, 102nd अमेंडमेंट हुआ था रिसेंट टाइम में, 103rd भी हुआ है. तो शुरू में आर्टिकल आया था 395 आर्टिकल्स थे टोटल, अभी देखो कितना 448 आर्टिकल्स, टोटल आर्टिकल्स में बोल रहा हूँ. तो 395 से, यानी कि जब भारत जब हुआ 26 जनवरी 1947 या 26 नवंबर 1949, उसमें कितने पार्ट सब थे, 22 पार्ट थे, सही बात है ना. अभी कितने पार्ट है, 25 पार्ट है, अभी 25 पार्ट है, उसमें कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, अभी कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल है, उसमें कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स थे, अभी कितने, 448 है. ये बेस्ट एग्जांपल ये बताने के लिए कि हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, देखो चेंज है, बात समझे ना. तो देखो यहाँ पे एंड द लिमिट ऑन सन चेंजेस इट हैज इंश्योर दैट इट विल सर्वाइव एज डॉक्यूमेंट रेस्पेक्टेड बाय द पीपल, एंड दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अदरवाइज नोन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इसलिए भारत का जो संविधान है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो पीपल का जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करने के लिए हम लोग सही तरीके से अमेंडमेंट भी करते हैं, बात समझे. तो भारत का संविधान बहुत ही कंप्रेहेंसिव संविधान है, जहाँ पे लोग एस्पिरेशन को लेके चलते हैं. दैट इज द फर्स्ट लेक्चर कंप्लीटेड, आया समझ में स्टूडेंट. देखो टाइम देखो, डेढ़ बजा दिए ना.